गाइस दैट्स माय ब्यूटीफुल टाउन द भद्रवा. भैया ठीक हो आप? भैया मैम भी है मेरे साथ और ये ना मुझे बार बार नॉटी नॉटी कह रहे थे. मैं नॉटी हूँ? सच में बहुत नॉटी हो. ठीक है थोड़ा सा करना पड़ता है बट थैंक यू. अच्छा लगता है ना, नॉटी कॉम्प्लीमेंट होता है. तो ये हॉट एयर बैलून हवा में उड़ता हुआ कल हम भी उड़ेंगे इसी में एडवेंचर एक्टिविटी करते हुए. सो कौन हाल है तुशो? बोला था कि ठीक नहीं तो ठीक भेजो यार करो. और बकलोल टीवी जो है उसको हम हमेशा जो है मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आप एक पार्टनर आपके साथ बने. क्या बात है, बकलोल टीवी जो है हमें बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा है. so उसकी जो पब्लिसिटी है थैंक यू सर. मैं कह रहा था कोई मतलब ऑफिशियल पार्टनर कोई कुछ ही है मतलब. थैंक यू बकलोल टीवी हमारा. गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग. सो सुबह के बज चुके हैं 10, मैं 9:15 रेडी था और ये जितने भी जागता मेरे पीछे देख रहे हो खास तौर पर ये शख्स मैं अभी रेडी हूं. ये अभी रेडी हो क्या है और टाइम हो चुका है 10:15, इवेंट हमारा 11 बजे शुरू हो, यहाँ से हमें जाए निकलना है, 1.5 घंटे का रास्ता. सो बहुत स्ट्रेस है भाई. क्या है मेरे पास? गाड़ी की चाबी अंश के पास है. तो फिलहाल यार कसम से कह रहा हूँ मतलब द साज वैली रिजॉर्ट में रुके मतलब इतना मजा आया है ना, रात को भी उस साइड का नजारा मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है पीछे से भी. हाँ बोलना सही चीज बताओ क्या होता है ना. बताना भाई आपका नहाया गर्म पानी था तो मैं भी था हैप्पी की क्रीम देखो. लेकिन पर मैं ना ये सोच के क्या था मैं मुंह धोके वापिस आ जाऊंगा मगर नहीं, जैसे पानी फेंका मैं गर्म नहा ही लेते हैं. तो चलो फिलहाल यार करते हैं आज के दिन की शुरुआत. और वैसे भी आज तो हम नाग भूमि पर हैं तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं सारे भोले बाबा जी का नाम लेके. हर हर महादेव. अरे अरे वो आ गया देखो वो आ गया. तैयार हो क्या? आ गया रजत भाई सबसे लेट. चलो यार चलो तेरे पास. So guys, that's my beautiful town, the Bhadrava. ये है हमारी भद्रवा सिटी पूरी. हैप्पी व्यू चेक कर. इधर से ड्रोन उड़ाने का क्या मजा आ रहा है? हाँ बात में हैप्पी को व्यू चेक करने के लिए नहीं बोल रहा. हमने रील देखी है. व्यू देख रहा और हम सही में भी लोकेशन में ऐसी है टोटल. तू व्यू नहीं चेक कर यार. अभी भालड़ा पहुंचे हम, यहाँ से होते हुए जाएंगे अभी आगे से मोड़ काट के चिंता के ऊपर से सीधा जाएंगे. तो यहाँ पे हम चिंता पहुंच गए जो कि रविंद्र रैना जी नहीं करते. ओ ऐसे भी नहीं है साडे को रविंद्र रैना जी लीडर है जेके चिंता नहीं करते. आपको तो पूछना यार सर रविंद्र रैना सर भी बोलो सर बोलो कुछ सर बोलो कुछ सर बोलो कुछ बोलो कुछ सर बोलो. तो चलो फिलहाल यार चिंता से आगे अब लगेंगे थोड़े से टाइम और. तो जाई वाली में पहुंच चुके हैं हम जहां पर आज का हमारा इवेंट है. और भाई साहब मतलब अगर आप भद्रवा में आए हो जाई में नहीं आए ना तो मतलब आपकी बिल्कुल ट्रिप बेकार है. भद्रवा आओ जाई आओ मतलब अभी भी यहाँ पर बर्फ है चारों तरफ, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है. यहाँ पे मोटर बाइकिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. हाय आनंद आएगा आज आनंद. तो ये अपनी इवेंट की जगह है भाई, यहाँ पे सारी तैयारियाँ वगैरह की गई हैं, वहाँ पे स्टेज सेटअप लगा है. चलो हम स्टेज के पास चलते हैं. मतलब बर्फ़ के बीच में आज होस्टिंग होने वाली है, सोचो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा इन वादियों के बीच में. और यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही है ना मतलब चेहरे से आके टकरा रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, बट मज़ा यार आनंद आ रहा है. हाँ ये तो सबसे मिल लिया अपना, अभी शो शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट ये जो बर्फ़ के बीच में चलने का मज़ा है ना मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. भद्रवा की फील अलग है, वाइब अलग है, आनंद है प्रभु.
और साथ में सुनैना मैडम जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म। चलो भाई आ जाना आने वाला, मजा आएगा। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हमारा इवेंट ऑफिशियली जो है शुरू हो चुका है, बाकी अविचल अविनाशी हूँ, हमारे डीसी साहब वगैरह जितने भी गेस्ट मुख्य अतिथि यहाँ पर बैठे हुए और हमारे साथ है अब्दुल जब्बार साहब। क्या हाल चाल, कैसे हो? वेलकम वेलकम टू जाई वैली। ये सर मेरा घर है, यू वेलकम टू जाई वैली। थैंक यू। उसमें अभी कैसे हो? बढ़िया। हाँ मैम, आई एम फ्रॉम भदरवा ओनली। सर मेरा जॉक करेंगे, ठीक है? बढ़िया लेवल का जॉक, मजा आने वाला है। और नहीं तो क्या, वैवाहिक महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। तो गाइस पहले सारे आ गए, ये सारे हिमांशु भैया, रजत भैया, सौरभ भैया, बूम ब्रो, बूम ब्रो, आगे कमान भराते हुए मैं दावा देता हूं हमारे बहुत ही अजीज श्री सौरभ कल्याण जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि प्लीज बी ऑन स्टेज एंड वी हैंड ओवर द कमांड ऑफ दिस इवेंट टू यू। जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और तो उन्होंने नाम के साथ श्री लगा दिया, मुझे लग रहा है किसको बुला रहे हो, बट उसके आगे सौरभ कल्याण सुन के मुझे अच्छा लगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, असिकनी भद्रकाशी उत्सव हो रहा है और इतनी सारी जनता जाई में देखकर भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, जोरदार तालियां। और अब सबको बता दूं कि मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आप लोग शायद से मुझे द बकलोल टीवी पर देखते होंगे। बकलोल टीवी कौन कौन देखता है यहाँ पे? कम ऑन, हाथ ऊपर कर लो। अच्छा बकलोल जनता कितनी है यहाँ पे? गिव मी अ चीयर। ये हुई ना बात। बीइंग अ भद्रवाही में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इंडियन आर्मी का, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का, जिन्होंने इनिशिएटिव मिलकर उठाया और जाई वैली में आज आप सबको आने का मौका दिया अपनी भद्रकाशी उत्सव करवा के। तो एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां। और यार आज की इवेंट की ना, मतलब मैं अभी स्टेज पर आया हूँ तो मैं चार लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगा। भद्रवाह के रिलेटेड ही था, मैंने लिखा था एक बार कि नाग भूमि का बेटा शिव भक्त हूं मैं। मुझे आवाज आनी चाहिए ऑडियंस से, ठीक है? तभी मैं आगे बोलूंगा। नाग भूमि का बेटा शिव भक्त हूं मैं, भद्रवा भद्रकाशी का रक्त हूं मैं, भोले का नाम जपता हूं मैं हर वक्त, तभी तो सर्वगुण संपूर्ण सशक्त हूं मैं, नाग भूमि का बेटा शिव भक्त हूं मैं। सो एक बार नाग भूमि के यानी कि हमारे भद्रवाहियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे भद्रवाही कौन है, एक बार हाथ ऊपर करना जरा। इतने ही भद्रवाही हूं तो हाथ ऊपर, भद्रवाही बोलने में शर्म आती सबको, हाथ ऊपर कर। पाजी सरदार तुसी भद्रवाही है? क्या बात है, हमारे पाजी भी भद्रवाही है, बहुत बढ़िया बात है यार। क्या मैं काबुल बुखारी को स्टेज पर बुलाऊं? हां तुम पीछे, तुम सोए हुए हो, खड़े हो सारे यार, खड़े खड़े कौन सोता है? क्या मैं बुलाऊं काबुल बुखारी को? पक्का? दोनों हाथ ऊपर करके, यू गाइस वांट काबुल बुखारी टू कम ऑन स्टेज? आर यू श्योर? Okay, ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause the star performer of today, Kabul Bukhari on the stage. Zordar taaliyan! Hey,
जानवी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जानवी की जोरदार तालियां हो जाए। तुम लोगों ने मेरी बारी इतनी बढ़ नहीं मारी थी, इसकी बारी मारी। ये भेदभाव क्यों बोल रहे हैं दोस्ती यार? क्योंकि मैं आप सबकी जान जानवी हूँ इसलिए। यार ऐसी बात नहीं है, मैं भी जानवर बनने को तैयार हूँ। मैं बनू नहीं, ये जान में जानवर जानवी से भद्रवाही में कौन कुछ सुनना चाहेगा? भद्रवाही में से बुलवाएंगे, क्या बोलोगी जानवी भद्रवाही में? देखो वैसे तो मैं जम्मू से हूँ, सौरभ भद्रवाही से, इसलिए ज्यादा टैल मार रहे यहाँ पे आ रहे। मैं जम्मू से हूँ, लेकिन भद्रवाही के इतना प्यार मिला है कल से, भद्रवाही इतना प्यार मिला, इतने प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, तो एक लाइन बोलूंगी भद्रवाही में एंड भद्रवाही में उसका रिप्लाई दे देना, ठीक है? सो बोला था कि ठीक है, तो ठीक भेजो इनको। और कौन वैसे बकलोल जनता कितनी है यहाँ पे, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर। और जो जो बकलोल जनता नहीं है वो अभी जाके बकलोल टीवी को यूट्यूब फेसबुक हर जगह फॉलो करो। बड़े बड़े बच्चे भी फैन बन गए जानवी के, क्या बात है। तो गाइस अभी ना गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं हिमांशु भैया और रजत भैया आया, बैटरी वगैरह चेंज कर ली अभी, और जो डेड होगी ना वो अभी हम चार्ज लगाएंगे अंदर जाके। तो फिलहाल अभी इस ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, मजा आ रहा है ना अभी गर्मी। और भैया गर्मी लग रही है अब? बहुत गर्मी लग रही है भाई। सुबह जब हम आए थे ना, सुबह बड़ी ज्यादा इधर मतलब इतनी ज्यादा सर्दी थी ना कहने की बात नहीं, पर अब इतना नाचे गर्मी लग रही है। तो गाइस मैं और रितेश हैं, ये सौरभ का भाई है, और मैं और रितेश जा रहे हैं अभी। यहाँ पे ना एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं,
स्केटिंग वगैरह और कुछ भी दो चार चीजें हो रही हैं वो देखते हैं। पीछे की जगह यहाँ पे दिखा दी, यहाँ पे आए हुए वो तो घूमेंगे नहीं और मेरा काम ही घूमने का है। मैं भी बगलोल टीवी का एक सब्सक्राइबर हूँ और ये भैया भी मतलब बद्रवा हाँ सौरभ भैया का सब्सक्राइबर हूँ और साथ में बद्रवा में मैं जर्नलिज्म का काम करता हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए बगलोल टीवी को। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो देखा आपने जैसे ही बगलोल के ना यहाँ पे भी बहुत सारे फैन है क्योंकि ये बगलोल सौरभ भैया का तो होम ग्राउंड है ना। बद्रवा में बगलोल टीवी के फैन नहीं होंगे और कहाँ के होंगे फिर। वो तो है। तो गाइस अभी यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो एक नदी आ गई है, बहुत गहरी नदी। जा डूब के मर जा, मर जा। तू अभी तक सिंगल है, मर जा इसमें। तो यहाँ पे फन एक्टिविटी चल रही है, सारे मजा ले रहे हैं। तो अभी इस फन एक्टिविटी के मजे दिखाएंगे आपको थोड़े थोड़े। देखो देखो कैसे आ रहे भाई साहब। ले ले पाइप बॉक्स पाइप ट्यूब ले ट्यूब ले 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 आजा आजा ट्यूब लेके आजा और बैठ जा बैठ जा। लेकिन यार सच में बहुत ही मजा आ रहा है यार, कसम से हम बिल्कुल सेफली आ रहे थे, वो तो बीच में हैप्पी में हैप्पी में अनबैलेंस हो गई, मेरे अंदर भी बर्फ चली गई। लगी भैया ठीक हो आप भैया। तो फाइनली अभी गाइस हमने ना स्केटिंग वगैरह कर ली, मजे कर लिए। अब ना बड़ी ज़्यादा गीला हो गया हूँ मैं आगे पीछे से, इसलिए ना अभी मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना, अभी तो मज़ा आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद सर्दी लगेगी ना, बीमार हो जाना है। पर मजा काफी आया, क्यों रितेश? हाँ भाई मजा आया नहीं? बहुत मजा आया यार, सबको आना चाहिए यहाँ पे। देखो जो कल सुबह भी ब्लॉग देखेगा ना, जो बद्रवा का है वो जरूर यहाँ पे आया। अभी दो दिन और चलेगा यहाँ पे, ये फेस्टिवल जरूर आया। इससे ज्यादा मजा लेना तूने और बोल और मजा। हाँ बोलना लेना है। हाँ क्यों नहीं यार, लोर जा लोर। जिन्हें लोर लोर देखा, लोर नहीं देखा, जिन्हें लोर नहीं देखे वो जमे ही नहीं। इवेंट वगैरह जो है मतलब चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमारे साथ अब्दुल जाबर साहब है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट, असिस्टेंट काउंसिल ऑफिसर भी हमारे साथ है। और सर क्या कहना चाहोगे आज के इवेंट? थैंक यू। सबसे पहले बगलोल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया के वो जम्मू से चलकर यहाँ आए। और मैं ये बोलता हूँ कि आप बेसिकली बद्रवा से हैं। बिल्कुल सर। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये मैं 100% श्योरिटी दूंगा कि आने वाले वक्त में जम्मू में सबसे बड़ा जो टूरिज्म है वो बद्रवा में ही होगा। क्या बात है। और बद्रवा को हमेशा हमेशा हम ऐसे इवेंट करके हमेशा इसको जो है इसका टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो आगे बढ़ाएंगे। और बगलोल टीवी जो है उसको हम हमेशा जो है, मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आप एक पार्टनर आपके साथ बने। क्या क्योंकि बगलोल टीवी जो है हमें बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा है, उसकी जो पब्लिसिटी है। मैं कह रहा था कोई मतलब ऑफिशियल पार्टनर कोई कुछ ही बता। थैंक यू जो भी है बगलोल टीवी हमारा पार्टनर रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। तेरी बंदी मेरी हक की जो रखी थी सोच अपनी गंदी जे कमा खासा करी सोने मत तू बदरा रेबा शोभा सुनी ताली दे ता मेरो मन। तो मेंट हो गया यार, खत्म। मेरा गला भी बैठ गया और नाक भी बंद है और 3:30 है इस वक्त और खाना भी खाना है, भूख भी लगी है। तो चलो निकलते हैं अब यार यहां से। सो ये जो आप अपनी नजरों के सामने हॉट एयर बैलून देख रहे हैं, कल हम इसमें चढ़ने वाले हैं, कल हम इसकी सवारी करेंगे और आसमान में घूमेंगे। कल यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होने वाली है, जैसे हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। मज़ा आएगा कल। राफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगी ना, राफ्टिंग डोडा में होगी, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये हॉट एयर बैलून हवा में उड़ता हुआ, कल हम भी उड़ेंगे इसी में एडवेंचर एक्टिविटी करते हुए, मज़ा आएगा। सो द साज वैली रिजॉर्ट, हमारा स्टे पहुँच चुके हैं वापस से और अभी मैं रूम में जाके चुपचाप करके सो जाऊँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं रूम में जाके सो गया था, मैंने यही पर फिर मेरे को भूख भी लग रही थी तो मैं आ गया। और अभी हम खा रहे हैं स्प्रिंग रोल और क्या क्या मंगाए तुम लोगों ने? कॉफी, टोस्ट, कॉफी, चाय, सैंडविच। खाने के लिए क्या मंगाया? ये मंगाया था,
ये खाने के लिए तो ये भी स्नैक्स रूम लेके जाएंगे। आपको क्या और खाना है? ये खाने वाली चीज नहीं तो गालियां खानी। ज़ॉम्बी खाना खा रहे थे, मतलब डिनर करके निकलने ही वाले थे, बट यहाँ पर कौन आ गया? स्नैना मेहता जी, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म। एंड मैम जी, कैसा रहा आज का इवेंट? बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से, पहले तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो कैरी किया, और उसके साथ साथ जो काबुल बुखारी जी की परफॉर्मेंस, इट वाज रियली ऑसम, और लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया, और उसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल जो कल्चरल डांसेस और परफॉर्मेंसेस और ट्रेडिशनल फैशन शो, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। और मैं ये कहूँगी कि ये एक नई मुहिम जारी हुई है जिसमें कि अपने कल्चर को एक वाइब्रेंट वे में यूथ जो है वो पेश कर सकते हैं। नहीं सीरियसली, लेकिन बट थैंक्स टू यू डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, क्योंकि हमेशा आप ऐसे इनिशिएटिव लेते आ रहे हो। एंड आज फिलहाल मतलब आप डिनर करने आए हो दसाज वैली में, यहाँ पे आपका स्टे भी है। मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा, आप बताओ आपको कैसा लगा? मैं ये कहूँगी कि इतनी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, एंड जो भी यहाँ पे आएगा वो डेफिनेटली बार बार आना चाहेगा और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेगा थ्रू वर्ड ऑफ माउथ की अगर किसी को भद्रवाह जाना है तो साज वैली इज द प्लेस। और साज वैली किसका? शबीर भाई, 1000 रुपए ट्रांसफर कर देना, ठीक हो गया। नहीं सीरियसली यार, मतलब ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। भद्रवाह में ना एक दिक्कत आती थी, खाने को अच्छा नहीं मिलता था या रहने को अच्छा नहीं मिलता था, और अब वो फाइनली जो है मतलब खत्म हो चुके। अब साज वैली रिजॉर्ट में आ सकते हो, रुक सकते हो, बेस्ट है यार। काबुल भाई, सबसे पहले मुझे बताओ भद्रवाह में कैसा लगा आपको? भद्रवाह में मेरा ये सेकंड विजिट है, और पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत मजा आया मुझे। यहाँ की लोकेशन तो बहुत प्यारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिस चीज से मैं खुश होता हूँ, यहाँ के लोग बहुत स्वीट है। क्या बात है, मतलब मैं भी स्वीट हूँ, मैं भद्रवाही हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे नहीं पता आप भद्रवाही हैं लेकिन स्वीट तो हैं। अलग कोई बात नहीं। और फिलहाल मजा आया आपके साथ, मतलब दसाज वैली भाई है साथ में, तो कैसा लगा? साज वैली क्या बात है सर, भाई नहीं भी हो तो तब भी सही बताना। नहीं, सही वाली बात है कि बहुत अच्छा है, आपके इतने प्यारे आपने हट्स बना रखे हैं, एक वाइब होती है ना रहने वाली। एक नॉर्मल होटल्स जो होते हैं जो आम शहरों में रहने को मिलते हैं, उसकी एक अलग वाइब होती है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, सुकून आ जाता है रह के। बिल्कुल, वो सोने का जो फील है, नींद का, वो एक हर एक चीज चाहिए होती है, मजा है चाहिए होती है, यहाँ पे मिल सकता है। और साथ साथ में अभी खाने इतने टेस्टी खाने बनते हैं यहाँ पे, क्या बात है। हाँ सीरियसली होता है, मतलब ट्रिप में ना मतलब नींद अच्छी ना मिले, खाना अच्छा नहीं मिले, कोई एक भी चीज छूट जाए ना तो पूरा माहौल, पूरा मूड खराब हो जाता है। आपने वो माहौल बरकरार, हमारे खाने में थोड़ा सा प्यार होता है। अरे क्या बात है, चलो थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा। इवेंट कैसा था? इवेंट बहुत बढ़िया था, और टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उन्होंने इस इवेंट को बहुत खूबसूरत बनाया। क्या बात है, और हमारे इस एरिया का जो कल्चर है, जो भी है, टूरिज्म को प्रमोट करने में बहुत आगे आने वाले समय में बहुत फायदा, बहुत हेल्प की। और एक मैम भी है मेरे साथ, और ये ना मुझे बार बार नॉटी नॉटी कह रहे थे। मैं नॉटी हूँ? सच में बहुत नॉटी हो। ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ता है, बट थैंक यू। अच्छा लगता है ना, नॉटी कॉम्प्लीमेंट होता है, आपको नहीं लगता होगा बट कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है ना। चलो थैंक यू, अच्छा लगता है, प्यारे लगते हो। चल थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल गया आज की, मुझे नींद बड़ी मीठी आने वाली है।